नमस्कार दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी के विरोध सहित दिल्ली हिंसा को लेकर अमेरिका इस्लामी सहयोग संगठन से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दिल्ली में बड़ी हिंसा हुई थी, जिसमें अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि बताया जा रहा है कि आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है, लेकिन इसी बीच दिल्ली हिंसा को लेकर इस्लामी सहयोग संगठन OIC ने हिंसा की कड़ी निंदा करते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर हिंसा में हुई मौतों से संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि UN ने मुस्लिमों पर हमले के दौरान पुलिस की निष्क्रियता पर कड़ी चिंता जाहिर की है और कहा है कि राजनेता हिंसा को रोकें। तो वहीं आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर अमेरिकी आयोग ने मोदी सरकार से मुस्लिमों की रक्षा करने को लेकर बड़ा बयान जारी किया है। दोस्तों, क्या है पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएंगे जरूर, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि नागरिकता संशोधन कानून का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करना ही सबसे अच्छा तरीका है, जिससे भाईचारा बना रहे और ऐसी किसी भी प्रकार की घटना न हो, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर इस्लामी सहयोग संगठन यानी OIC ने हिंसा की कड़ी निंदा की है। आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर इस्लामी सहयोग संगठन यानी OIC ने एक बयान जारी किया है। बयान जारी करते हुए कहा है कि संगठन भारत में मुसलमानों के खिलाफ हाल में हुई खतरनाक हिंसा की कड़ी निंदा करता है, जिसमें निर्दोष लोगों की जान गंवानी पड़ी और मुस्लिम स्वामित्व वाली संपत्तियों और मस्जिदों में आगजनी और बर्बरता हुई। दिल्ली में हुई हिंसा को जघन्य करार देते हुए OIC ने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। साथ ही OIC ने मोदी सरकार से मुस्लिम विरोधी हिंसा के भड़काने वाले और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही सभी मुस्लिम नागरिकों की सुरक्षा और पूरे देश में इस्लामिक पवित्र स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। अब भारत ने भी दिल्ली हिंसा पर इस्लामिक सहयोग संगठन के बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि संगठन का बयान तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। उन्होंने संगठन से आग्रह किया है कि इतने संवेदनशील समय में वह इस तरह के गैर जिम्मेदारा बयान न दें। रवीश कुमार ने कहा है कि OICC की तरफ से दिल्ली हिंसा को लेकर दिए गए बयान तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा में हुई मौतों से संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बहुत दुखी है। उन्होंने दिल्ली हिंसा को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। आपको बता दें कि संशोधित नागरिकता कानून यानी CAA को लेकर देश की राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्व इलाके में सांप्रदायिक हिंसा में अनेक लोगों के हताहत होने से संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुतारेस बहुत दुखी हैं। गुतारेस ने हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हिंसा के मामले में अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। गुतारेस के प्रवक्ता स्टीफन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बाद लोगों के हताहत होने की रिपोर्ट से संयुक्त राष्ट्र प्रमुख बहुत दुखी हैं। उन्होंने हिंसा को टालने के लिए अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। जब दुजारिस से सवाल पूछा गया कि संशोधित नागरिकता कानून को लेकर नई दिल्ली के कुछ हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शन पर महासचिव कोई टिप्पणी करेंगे और क्या भारत सरकार से इस बारे में उनकी कोई बातचीत हुई है, इसको लेकर दुजारिस ने कहा है कि नई दिल्ली की स्थिति पर गुतारेस नजदीक से नजर बनाए हुए हैं और इस बात पर जोर दिया है कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत दी जानी चाहिए और साथ ही सुरक्षा बलों को संयम बरतना चाहिए। UN से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, UN ने कहा है कि मुस्लिमों पर हमले के दौरान पुलिस की निष्क्रियता चिंतित करने वाली है। उन्होंने कहा है कि राजनेता इस हिंसा को रोकें। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय क्रांति पार्टी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि दिल्ली में गुजरात मॉडल की पुनरावृत्ति की गई है, जहां नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। इसको लेकर पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की है। साथ ही महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक ने इस हिंसा को लेकर जांच की मांग की है। इसी के बीच ही दिल्ली में संशोधित नागरिकता कानून विरोधी और समर्थक समूहों के बीच हुई हिंसा और सांप्रदायिक झड़पों पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की उच्चायुक्त मिशेल बैलेस्ट ने मुस्लिमों पर हमले के दौरान पुलिस की निष्क्रियता पर गंभीर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि भारतीय राजनेताओं को ऐसी हिंसा को रोकना चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून पर बाचेलेट ने कहा है कि अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखने वाले भारतीयों ने बड़ी संख्या में नागरिकता संशोधन कानून पर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मैं एक अन्य समुदाय द्वारा मुस्लिमों पर हुए हमले और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले लोगों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई से चिंतित हूँ। यह अब सांप्रदायिक हमलों में तब्दील हो गया है।
जिसमें अब तक 40 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने कहा है कि मैं सभी नेताओं से अपील करना चाहती हूँ कि वे हिंसा को रोकें। स्थिति अब काफी गंभीर हो गई है। आपको बता दें कि जिनेवा में विश्व भर में मानवाधिकार घटनाक्रम पर चल रहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र में उन्होंने अब बातें कही है। वहीं संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस दिल्ली पर इस मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं। गुटेरेस के प्रवक्ता डुजारिक ने अपनी डेली ब्रीफिंग में एक सवाल के जवाब में कहा है कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति दी जानी चाहिए और सुरक्षा बलों को संयम बरतना चाहिए। उनका कहना है कि हम महासचिव का हमेशा से रुख रहा है, हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा पर अब अमेरिकी आयोग ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए कहा है कि मुस्लिमों की रक्षा मोदी सरकार करे। दरअसल आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA को लेकर दिल्ली में हुई हिंसा के बाद सरकार दिल्ली में शांति का माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। इसी बीच अमेरिका से जो खबर सामने आई है वो सरकार की चिंता बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि अमेरिकी कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने दिल्ली हिंसा पर टिप्पणी की है। आपको बता दें कि यह एक स्वतंत्र संस्था है। टिप्पणी करते हुए संस्था ने कहा है कि मोदी सरकार मुस्लिमों की रक्षा करे। संस्था ने अपने ट्वीट में भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों को लेकर चिंता जताई है। संस्था ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली में मुस्लिमों पर खतरनाक भीड़ के हमले की रिपोर्टों से हम चिंतित हैं और मोदी सरकार से अपील करते हैं कि निशाना बनाकर धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें कि यह संस्था दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर नजर रखती है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। महाराष्ट्र सरकार ने ऐलान करते हुए कहा है कि मुस्लिमों को 5% आरक्षण देगी। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार ने राज्य में मुस्लिमों को आरक्षण दे सकती है। इसका ऐलान राष्ट्रीय क्रांति पार्टी के नेता नवाब मलिक ने किया है। शुक्रवार को विधानसभा परिषद में उन्होंने कहा है कि मुस्लिम समाज को आरक्षण दिया जाएगा। मलिक ने कहा है कि इसके लिए सरकार अध्यादेश लाएगी। राज्य सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि बीती सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा में मुस्लिमों को 5% आरक्षण नहीं दिया था, अब यह सरकार ऐसा करेगी। मिली खबर के अनुसार महाराष्ट्र में विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने से पहले मुस्लिमों को शिक्षा में 5% आरक्षण दिया जाए। बताया गया कि बीती सरकार ने अदालत का फैसला होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अध्यादेश नहीं लाई थी। अब मंत्री ने कहा है कि नौकरी में आरक्षण को लेकर कानूनी सलाह की जा रही है और जल्द ही मुस्लिमों को 5% आरक्षण देने पर फैसला लिया जाएगा। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर एनडीए में तकरार बढ़ता जा रहा है। एलजेपी के नेता चिराग पासवान के बाद अब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में हो रही हिंसा को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग के अलग अलग दलों के नेता केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। एलजेपी के नेता और सांसद चिराग पासवान ने पिछले दिनों कहा था कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को उन तीनों नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने भड़काऊ बयान देकर दिल्ली में हिंसा फैलाई है। अब भाजपा के सहयोगी दल अकाली दल के नेता प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि देश में धर्मनिरपेक्षता जैसी कोई चीज नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि संविधान की समाजवादी लोकतांत्रिक बातें आज जमीन पर दिखाई नहीं दे रही हैं। दिल्ली हिंसा पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अकाली दल ने बड़ा बयान दिया है। अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को लेकर सवाल उठाए हैं। प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है, अमन शांति के साथ रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि हमारे देश के विधान में 3 चीजें लिखी हैं जो होना बहुत जरूरी है। उनका कहना है लेकिन ये तीनों चीजें नहीं है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। डेमोक्रेसी भी सिर्फ 2 स्तर पर ही रह गई है, एक लोकसभा इलेक्शन और दूसरा स्टेट इलेक्शन, बाकी कुछ नहीं। अब प्रकाश सिंह बादल के इस बयान को एनडीए में कला के रूप में देखा जा रहा है। दिल्ली हिंसा के बाद सहयोगी दलों के इन बयानों से निश्चित रूप से माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि तबादले के बाद हाई कोर्ट के जज मुरलीधर ने कहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में यह मेरा अंतिम फैसला था। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के तीसरे वरिष्ठ जज एस मुरलीधरन ने बुधवार देर रात तबादले की अधिसूचना जारी होने के बाद गुरुवार को एक मामले में अपना फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली हाई कोर्ट में यह उनका अंतिम फैसला है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज ने बुधवार को दिल्ली हिंसा मामले में सुनवाई की थी और पुलिस को इस मामले में कड़ी फटकार लगाई थी, जिसके बाद उनका देर रात तबादला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के लिए कर दिया गया था, जिसके बाद काफी विवाद खड़ा हुआ था। आपको बता दें कि गुरुवार को अदालत लगने के बाद कई वरिष्ठ वकील व अन्य कर्मचारी जमा हो गए थे और उन्होंने
जज एस मुरलीधरन के प्रति कृतज्ञता जाहिर की थी। फैसले के बाद दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्टैंडिंग काउंसल गौतम नारायण ने कहा कि यह सम्मान की बात है कि उन्होंने न्यायमूर्ति एस मुरलीधरन के साथ काम किया। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा में घायलों को सुरक्षा और बेहतर इलाज के लिए दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधर के घर आधी रात को सुनवाई हुई थी, जिसके दौरान ही कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिए थे कि वह मुस्तफाबाद के एक अस्पताल में एम्बुलेंस को सुरक्षित रास्ता दिखाए और मरीजों को सरकारी अस्पताल में शिफ्ट कराए। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। एक बड़े नेता के साथ सैकड़ों समर्थकों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भले ही आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की अच्छी पकड़ और खासा प्रभाव न होने के चलते यह झटका लगा है। आपको बता दें कि गुरुवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्वांचल संयोजक संजीव कुमार सिंह ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस मुख्यालय पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने आप नेता सहित इन सभी सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई है। सदस्यता दिलाने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कहना है कि संजीव सिंह काफी जुझारू और संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी है। उनका कहना है कि संजीव सिंह आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल के संयोजक और अध्यक्ष थे, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी अपनी नीति और नियति में लगातार बदलाव कर रही है और कुछ दिन पूर्व एक बार फिर सत्ता में वापस आने के बाद दिल्ली जलती रही और तमाशा देखा जाता रहा, उससे आहत होकर आप नेता संजीव सिंह ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का फैसला किया है। उनका कहना है कि संजीव सिंह अपनी पूरी यूनिट वाराणसी, भदोही, जौनपुर और लखनऊ सहित सभी जगहों के कार्यकर्ताओं के साथ आज कांग्रेस में शामिल हुए हैं।